नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हम आपको जीएन भारत में रेगुलर लगातार हर चीज़ का अपडेट, कुछ खासकर पूजा सिंघल से रिलेटेड न्यूज़ का अपडेट आपको देते आ रहे हैं। फिलहाल जैसा कि मैं कैमरामैन को भी देख सकते हैं, आप ईडी यानी ईडी के ऑफिस हम बाहर खड़े हैं, जो कि अभी रांची का हार्ट बना हुआ है। जी हाँ, अभी रांची में अगर कोई एक मामला अभी सबसे ज़्यादा गर्म और कोई जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, जो कुछ दिन पहले तक लोग नहीं जानते थे, तो शायद वो ईडी का ऑफिस ही होगा। अभी जो हम आपको करंट खबर जो अपडेट आ रही है यहाँ से, वो ये आ रही है कि पूजा सिंघल को, जैसा हमने आपको बताया था कि होटवार जेल कल हम गए थे वहाँ पर और हमने आपको दिखाया था कि उस होटवार जेल में पूजा सिंघल को रखा गया है और साथ ही उनकी हालत भी ख़राब हो रही है। अब आज दूसरा दिन है उनके जेल का। आज जो हमें अपडेट मिल रहा है वो यह है कि पूजा सिंघल की हालत फिर से बहुत ख़राब हो रही है। आखिर ख़राब हो भी क्यों ना, एसी केबिन में रहने वाली इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर, आसपास चार पांच टॉगर हमेशा घूमते रहते थे, बड़े बड़े लोग जी हजूरी करते थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उनके सामने सर झुकाते थे। अब अचानक से जब जेल की चार दीवारी और सलाखें मिली तो हालत ख़राब होना तो ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है, होना ही था। जो हुआ भी, उनकी हालत अभी इतनी ख़राब है, लगातार बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीपी शुगर चेक होता भी है तो वो सब नॉर्मल निकलता है, तो बात है कि फिर हालत ख़राब क्यों हो रही है, बीमारी क्या है। इनके लिए स्पेशल डॉक्टर भी अपॉइंट किए गए हैं जेल में और वो डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति को देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर का भी साफ तौर पर कहना है कि उनका पल्स रेट, उनका हार्ट रेट, उनका बीपी, उनका शुगर, हर चीज़ नॉर्मल है। अगर कुछ कमी है तो वो है कि उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही, तनाव बहुत ज़्यादा ले रही है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तनाव से तो बीपी हाई होगा ही। लेकिन पूजा सिंघल मैडम का हालत तो ख़राब है, लेकिन उनके हालत ख़राब होने से और उनके व्हाट्सअप चैट से कई अन्य बिजनेस टाइकून के रातों की नींद हराम हो गई है, इतना तो श्योर है। जी हाँ, खुद तो हालत ख़राब करके मैडम होटवार जेल चली गई है, इसके साथ ही अपने साथ न जाने कितने लोगों को लेकर जाएंगी, क्योंकि जब से उनके व्हाट्सअप चैट खंगाले गए हैं, बैक टू बैक एक के बाद एक मछली पकड़ाई जा रही है तालाब में। ये तो एक तालाब है करप्शन का, जिसमें पूजा सिंघल मात्र एक मछली है, लेकिन बाकी सारे मछली का नाम, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, विशाल चौधरी है, नीतीश केसरी है, प्रेम प्रकाश है, और इसके बाद और भी बड़े बड़े आईएएस के रिश्तेदारों के घर में छापा पड़ रहा है। कल जैसा हमने आपको बताया कि प्रेम प्रकाश के घर से एक कंबोडिया कछुआ मिला है, जिसकी कीमत लाखों में, करीब 25 से 30 लाख उसकी कीमत बताई जा रही, कंबोडियन कछुआ। जी हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में जहाँ पे गरीबी की हालत, आदिवासी मूलवासी की हालत इतनी ख़राब है, दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ पे उस राज्य में बिजनेस टाइकून उन्हीं के खनिज को लूटकर कंबोडिया से कछुआ मंगाते हैं, कंबोडिया से जानवर मंगाते हैं, विदेशी जानवर को घर में पालते हैं और अपने शौक को पूरा करते हैं। ये है आईएएस ऑफिसर के ज़िंदगी की और उनसे जुड़े लोगों की असली सच्चाई, जो आज ईडी और सीबीआई के भरोसे निकल के सामने आ रही है। वैसे तो विपक्षी पार्टी ने, राजेश ठाकुर ने साफ तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिव है, लेकिन चलो मान लिया ये पॉलिटिकल मोटिव ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो ये है, गलतियां तो हुई है, 25 करोड़ घर से तो निकला है, करप्शन के चार्जेस तो लगे हैं। अभी हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया है, अभी सुबह ये बयान आया है कि हेमंत सोरेन का कहना है कि हमें तो ईडी का चार्जेस दिख ही नहीं रहे, ईडी छापेमारी कहाँ कर रही है, ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मीडिया में दिख रही है, उन्हें नहीं दिख रही है। तो हेमंत जी, जरा आप हमें बताइए कि अगर आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है तो आपने आईएएस पूजा सिंघल को निलंबित क्यों किया? अगर आपने निलंबित किया है तो ज़रूर कोई बात रही होगी, आपने खुद निलंबित किया है और उसके जगह आपने अबू बकर को नया खनन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त भी किया है। तो इससे साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बचाओ खुद को करते आ रहे, पूजा सिंघल का भी बचाव करें, लेकिन बात है बचाओ कितना दिन तक। हेमंत सोरेन पास तो खुद खनन पट्टा का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, वो तो शुक्र है बड़े बड़े उन्होंने पैसे फेंक कर जो वकील हायर किए थे, कपिल सिब्बल जैसे और मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े वकील जो हायर किए थे, वो श्यामत है कि उन्होंने बचा लिया और फिर से हाईकोर्ट गेंद जो है वो हाईकोर्ट के पाले में आके गिर पड़ा, वो तो क्या पता इनकी भी विधायक की जाती और सीएम का कुर्सी फिर से खाली हो जाता। तो पूजा सिंघल के पकड़ाने से ये बात, उनकी हालत भले जितनी ख़राब हो लेकिन 8 जून तक वो जेल में है और लगातार अपडेट हम आप तक बनाए हुए हैं। इतना तो फॉर श्योर है कि एक मछली तो पकड़ा गई है, इसके बाद एक के बाद एक और मछलियाँ पकड़ाना बाकी है। ईडी का शिकंजा अभी इतना ज़्यादा कसा हुआ है झारखंड के ऊपर और बाज की नज़र बनाए हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि प्रेम प्रकाश जो है वो एयरपोर्ट भाग गए थे। अब आप देखिए, ईडी जो है वो एयरपोर्ट से उनको पकड़ के घर लाती है और घर में जांच कराती है, यानी अब किसी भी भ्रष्टाचारी का बचना नामुमकिन है। चाहे आपकी हालत ख़राब हो, बीपी हो, शुगर हो, दैट डजंट मैटर,
मैटर ये करता है कि अब भ्रष्टाचार आरोपी को सज़ा मिलेगी, भले ही पॉलिटिकल मोटिव हो, भले ही पॉलिटिकल जलन से शायद कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।